दोस्तों, आज दुनिया भर में चल रहे कंस्ट्रक्शन की बात करें, चाहे एग्रीकल्चर की बात करें, चाहे घरेलू उपकरण की बात करें, हर जगह हमें हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम हार्डवेयर का बिजनेस कैसे शुरू करें, इसी के बारे में पूरी वीडियो है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको पूरी वीडियो में क्लियर हो जाएगा कि हार्डवेयर का बिजनेस कैसे शुरू करें और आप इसमें कितना पैसा कमा सकते हैं और इस बिजनेस को कैसे शुरू किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो के साथ और आज हम बात करेंगे हार्डवेयर का बिजनेस कैसे शुरू किया जाता है। दोस्तों, आज दुनिया भर में हम देखते हैं कि इतने सारे कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, इतने सारे काम चल रहे हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर की बात करें, चाहे कंस्ट्रक्शन की बात करें, चाहे घरेलू उपकरण की बात करें, हर जगह हमें हार्डवेयर के आइटम चाहिए होते हैं। और इसी के समय पर अगर किसी भी व्यक्ति को कुछ भी आइटम चाहिए हो, चाहे वो नल, कील, पाना, पैच, ये सारी चीज़ें और उसके साथ साथ लाइट के उपकरण, इलेक्ट्रिसिटी के उपकरण, ये सारी चीज़ें अगर किसी भी इंसान को चाहिए तो वो हार्डवेयर की दुकान ढूंढता है। और हार्डवेयर का मतलब ये भैया हार्डवेयर, हम जिसे छू सकते हैं, जिसे देख सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाता है, सीधी सी बात। तो वैसे ही इस बिजनेस को शुरू कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, हार्डवेयर किसी गली मोहल्ले में एक ऐसी दुकान होती है जहाँ से लोग कंस्ट्रक्शन और रिपेयरिंग में इस्तेमाल में लाए जाने वाले उपकरण एवं सामान, जैसे पाइप, पानी की टंकी, नल, बिजली का फिटिंग, दरवाजों की कुंडी, हस्तचलित उपकरण, पेंट इत्यादि सामान खरीदकर कर सकते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि जब कोई विक्रेता विभिन्न प्रकार के टूल, फास्टनर जैसे नट, बोल्ट, पेंट, रस्सी, पाइप इत्यादि कंस्ट्रक्शन और रिपेयरिंग में इस्तेमाल में लाई जाने वाली वस्तुएं अगर बेच रहा होता है तो इसे हार्डवेयर का बिजनेस कहा जाता है। दोस्तों, भारत में कोई भी बिजनेस शुरू करना बहुत ही आसान होता है, यानी कि हमारे पास पैसे हैं और हम उन पैसों को इन्वेस्ट करें और हमारा बिजनेस तैयार। लेकिन हम एक जगह फेल हो जाते हैं यदि हमें प्रॉपर नॉलेज और बिना रिसर्च किए हम किसी भी बिजनेस को शुरू कर देते हैं तो उसमें असफल होने की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि हार्डवेयर सामग्री की आवश्यकता लगभग हर एरिया में, हर घर में, हर तरह के लोगों को पड़ती है। लेकिन अलग अलग एरिया में मांग व वहाँ पे उपलब्ध दुकान जिन पर सप्लाई करने की जिम्मेदारी है, उनके आधार पर एरिया विशेष का विश्लेषण करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। दोस्तों, एक आंकड़े के मुताबिक 60-70% दुकानों को कैश की कमी के कारण या किसी समस्या के कारण अपने हार्डवेयर स्टोर को 2 सालों के भीतर भीतर बंद करने पर मजबूर होना पड़ता है। इसलिए ऐसी स्थिति से बचने के लिए उद्यमी को पहले ही पूरी तरीके से योजनाबद्ध होना चाहिए। आप अपना प्रॉपर रिसर्च बनाकर अपने बिजनेस को बहुत सारी मुसीबतों से बचा सकते हैं। और वो रिसर्च क्या है, आइए हम आपको बताते हैं कि आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले नंबर पे हार्डवेयर स्टोर के लिए लोकेशन का चयन करने। दोस्तों, एक आदमी चाय की दुकान भी खोलता है तो उसके लिए वह जरूरी होता है कि वह दुकान किस लोकेशन पर है, और अगर उसने सही लोकेशन चुन लिया तो उसकी चाय की दुकान भी चल पड़ती। लेकिन यहाँ पे आपको हार्डवेयर की दुकान खोलने के लिए आपको ऐसी जगह देखनी पड़ेगी जहाँ पे प्रॉपर आपकी मार्केटिंग हो जाए, दुकान आपकी रोड में हो और आपके पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिले। तो दोस्तों, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे है, लोकेशन का चुनाव तो आपने कर लिया, फिर इसके बाद आपको यहाँ पे पैसे का अरेंजमेंट करना है। अब भाई पैसा कितना, देखिए एक हार्डवेयर का बिजनेस शुरू करने के लिए कम से कम आपके पास 15 लाख रुपए होने चाहिए, है ना, और अगर नहीं है तो 10 लाख तो होना ही चाहिए, तब जाके आप एक हार्डवेयर का काम शुरू कर सकते हैं। क्योंकि हार्डवेयर भाई इतना महंगा आता है तो आपको स्टॉक रखना पड़ता है, क्योंकि आपके पास कस्टमर वापस ना हो, लौटे ना, तो आपके पास स्टॉक रखना ज़रूरी होता है। तो जो पैसे की बात करते हैं ना, तो 10 से 15 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए, तब जाके आपके पास प्रॉपर स्टॉक आएगा और कस्टमर अगर वापस होता रहा ना कि भाई कुछ सामान मांगा आपसे और है नहीं ऐसा करके, तो वो फिर आएगा ही नहीं दोबारा। तो ऐसे करके ना स्टॉक रखना बहुत ज़रूरी है हार्डवेयर के बिजनेस में। नेक्स्ट है यहाँ पे सप्लायर आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। देखिए अब यहाँ पे ऐसे कई एरिया होते हैं, जैसे गांव वगैरह में हमने खोल लिया या आउट ऑफ एरिया में, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं पहुँचता है, तो भाई अब वो सप्लायर बोलेगा कि भाई आप बल्क में सामान खरीदोगे तभी मैं गाड़ी भेजूँगा, आप थोड़ा बहुत सामान मंगाएंगे तो गाड़ी नहीं भेज पाऊँगा, एक दो सामान मंगाएंगे तो गाड़ी नहीं भेज पाऊँगा, है ना, वो प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल नहीं होगा। तो ऐसे सप्लायर का चुनाव करें जो आपको हर प्रोडक्ट आपके यहाँ भिजवा दे, चाहे आप एक क्वांटिटी में लें चाहे ज़्यादा में लें, ऐसे में ना फ़ायदा होगा, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि जो सप्लायर है वो आपके पास जेन्युइन होना चाहिए, जब भी आप उसे बोलें कोई भी प्रोडक्ट कम गया तो वो आपको भेज दे प्रॉपर तरीके से। तो सप्लायर, अब ये सप्लायर कौन है, सप्लायर भाई होलसेलर, जो जहाँ पे आपको हार्डवेयर के हर आइटम मिल जाते हैं। अब देखो आपको यहाँ पे एक ही दुकान में सब कुछ नहीं मिलेगा, अलग अलग जगह पे आपको कॉन्टैक्ट बनाने पड़ेंगे, यानी कि आपको दरवाजे चाहिए, लकड़ी वाला कुछ हार्डवेयर का सामान चाहिए तो वो एक दुकान में मिलेगा, कांच का कुछ सामान चाहिए तो वो एक दुकान पर मिलेगा, प्लम्बिंग के लिए कुछ आइटम चाहिए, नल वगैरह, तो वो आपको एक दुकान पर मिलेगा, है ना, सीट्स वगैरह चाहिए, लोहा, हर एक आइटम आपको अलग अलग दुकान से टैप करने पड़ेंगे और सब के यहाँ से
थोड़ा थोड़ा कलेक्ट करके आपके पास इकट्ठा हार्डवेयर का सामान रहना चाहिए ताकि आप प्रॉपर तरीके से अपनी दुकान को मैनेज कर सकें। अब जब आपने दुकान खोल ली, आपके पास सब कुछ हो गया भाई, प्रोडक्ट भी आपने जमा लिए, इसके बाद ज़रूरी बात होती है, वो है मार्केटिंग। अब यहाँ पे आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा। मार्केटिंग आपने अपनी दुकान की नहीं की तो वो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। मार्केटिंग में क्या कर सकते हैं आप अपने जो जहाँ पे अपनी दुकान खोली है, तो ओपनिंग के दिन सबसे पहले तो आप ओपनिंग करिए उसकी। ओपनिंग के बाद आप ये कोशिश करिए कि हम उसके कुछ बैनर बनवा लें, पंपलेट बनवा लें, जो हर तिराहे मोहल्ले में लगवा दें, और दीवारों में हम लिखवा सकते हैं कि भाई आपकी जो भी हार्डवेयर दुकान का जो भी नाम रखे हैं वो, कि यहाँ पे हमारे यहाँ लोहा, सीमेंट, गिट्टी, राड़ी, जो भी चीज़ें हैं वो सब मिलता है हमारे यहाँ पे, यहाँ से कॉन्टेक्ट करें। तो एक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट करना ज़रूरी होगा, तभी आपकी दुकान थोड़ा आगे बढ़ेगी और कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। अब यहाँ पे आप जान पहचान वाले जो लोग हैं वो थोड़ा उधार वगैरह भी लेते हैं, तो कोशिश करें कि हमें उधार जो है ऐसे लोगों को देना है जो हमारा पैसा लौटा दें, तो इस चीज़ का भी ध्यान देना है, है ना। आप पेमेंट के लिए और भी अलग अलग तरह की चीज़ें रख सकते हैं, जैसे कोई आपके यहाँ प्रोडक्ट खरीदा, बोलता है भाई कैश नहीं है, फ़ोनपे है, तो फ़ोनपे वगैरह आप ज़रूर अपने यहाँ पे रखें, हालांकि वो नॉर्मल हो गए आज के डेट में, सबके पास होते ही है ना। इस चीज़ से अब देखिए क्या क्या सामान आप लगभग रख सकते हैं, थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। वैसे तो लिस्ट की बात करें तो भाई लिस्ट बहुत लंबी है, क्या क्या सामान आप बेच सकते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे आप प्लम्बिंग के लिए, आप मैं आपको सब चीज़ें बता रहा हूँ प्लम्बिंग के लिए, यानी कि नल फिटिंग का जितना भी सामान होता है, पाइप, एल्गो, टी, है ना, जो नल वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें आपके पास होना चाहिए। नल का, प्लम्बिंग का पूरा सामान, एक पाइप फिट करने से लेकर टंकी से पानी आने तक, नीचे तक हर एक तरह के नल होने चाहिए, प्लास्टिक नल, स्टील के नल, ये नल वाला आइटम हो गया, ठीक है, प्लम्बिंग के लिए। फिर इसके बाद जो फर्नीचर की बात करते हैं, फर्नीचर में जो जो चीज़ें लगती हैं, जैसे अलमारी बनती है या कोई दरवाज़ा बनता है, दरवाजे में जो जो चीज़ें लगती हैं, कुंडी, है ना, स्क्रू ड्राइवर्स, ये सब चीज़ें आपके पास होना चाहिए फर्नीचर का आइटम। फिर थोड़ा बहुत कांच का रख सकते हैं तो कांच वाला कुछ आइटम रखें, सोफ़े वगैरह रख सकते हैं आप अपने यहाँ पे, तो वो भी फर्नीचर का में आ जाएगा। इसके बाद बैटरी आइटम, इलेक्ट्रिसिटी का आइटम आप रख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में आप बोर्ड, बिजनेस लाइट बल्ब, ये सब चीज़ें रख सकते हैं। और भाई आप लिस्टिंग आप खुद जाके किसी दूसरे के हार्डवेयर पर जाके बैठें, देखें। और मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि जब भी कोई आप काम शुरू करें, जब भी कोई बिजनेस शुरू करें, जैसे आप हार्डवेयर खोलना चाहते हैं, तो आप किसी सिटी में जाएं, किसी की हार्डवेयर की दुकान में बैठ जाएं, आप दिन भर वहाँ बैठ के देखें सिर्फ क्या कि इसने क्या रखा है, कस्टमर कैसे आ रहा है, कस्टमर को लोग कैसे हैंडल कर रहे हैं, क्या क्या प्रोडक्ट इन्होंने रखा है, दुकान कैसे डिज़ाइन की है, पूरा ऑब्जर्वेशन दिन भर आप करिए। मैं तो कहता हूँ हफ्ते भर आप डेली जाओ सीखने के लिए, सीख लेंगे जब आप, तो आपको ना कोई रोक नहीं सकता। तो इस चीज़ का ध्यान दें, कोई भी बिजनेस हो आप उसके दूसरे की दुकान पे पहले जाएं, वहाँ से ट्रेनिंग ले लें, तो ये ना आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर मारिएगा दोस्तों। बहुत मेहनत रिसर्च से वीडियो बनाते हैं, कल से शूट हो रही है वीडियो, आज दूसरा दिन है, तो कोशिश करिए कि लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ऐसे वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।